दो दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो तहसीलदार JDA है उनके द्वारा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ के शिवनगर इलाके में एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो वहाँ पर चलाई गई थी, जिसके बाद वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और वहाँ के कुछ जो दुकानदार थे उनके कुछ आरोप थे कि उन्हें समय नहीं दिया गया, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। और अब हम वर्जन जो है वो लेंगे तहसीलदार JDA मैम श्रुति बर्जवात का। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ टाइम लाइन। थैंक यू मैम। जो ड्राइव आपके द्वारा चलाई गई थी उसमें कुछ लोग जो थे उनका आरोप ये था कि आपने उनको नोटिस नहीं दिया, नोटिस के बिना ही आप वहाँ पर पहुँचे और आपने वो ड्राइव शुरू कर दी, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लीज डीड पे, हमने ये जो अपनी लैंड दी हुई है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि इनको कोई भी प्रायर चीज़ करने से पहले इनको बताना है कि हमने ये एक्टिविटी, ये हम इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं। इनको एक प्रायर में रिटन परमिशन सीक करनी है, अगर ये परमिशन इनको यस मिलती है ओनली देन दे कैन प्रोसीड अहेड विद दैट कंस्ट्रक्शन। ये जो इनकी कंस्ट्रक्शन थी इसके पीछे कोई भी इन्होंने रिटर्न परमिशन सीख नहीं की थी, इससे पहले भी इनको काफ़ी बार नोटिस दे दिया गया था, नोटिस दिए गए हैं इनको, इनका कोई रिप्लाई नहीं था बिकॉज दे हैव नथिंग टू से इन देयर डिफेंस। तो इनफैक्ट हमने इससे पहले भी ऐसी ड्राइव्स की हैं, तो ऐसा नहीं है ये जो एलिगेशन है ये झूठ है। मैम उनका एक और आरोप था कि सामान जो वहाँ पर पड़ा था उसको भी बाहर निकालने का या अंदर रखने का समय नहीं दिया गया, उस पर भी पीला पंजा चला दिया गया। ऐसी बात नहीं है, देखिए जितनी भी वहाँ पे दुकानें थी खास करके और जो रेड़ियों पे जो रेड़ी लगाते हैं जो फेरी वाले थे उनको हमने सफिशिएंट टाइम दिया था। हम इनफैक्ट राउंड लगा रहे थे, मैं और SGPO सर हम लोग पैदल ही राउंड भी लगा रहे थे बार बार, और इनको सफिशिएंट टाइम दिया गया था। आपने नोटिस किया होगा कि जो उनकी चेयर्स थी, जो उनके टेबल्स थे, उनकी भट्टी थी, गैस थे, चूल्हे थे और उनके जो रेफ्रिजरेटर थे, इनको पूरा टाइम दिया गया। इन्होंने पूरा आधा घंटा लगा के उनके कनेक्शंस उतारे हैं, इनको सेफली बोला गया, इनके खास करके जो गैस सिलेंडर्स हैं, जो भी कंबस्टिबल आइटम्स हैं उनको उठा लिया जाए, जो इनकी कुक्ड आइटम्स थी पतीलों में, जो इनके जो भी इनका सामान था जो भी ये बेचते थे इनको पूरा बोला गया। अदरवाइज़ वो हमने सीज कर ली होती, लेकिन हमने पूरा टाइम दिया और एक को नहीं पूरी लाइन में जितने हमने एक, देखिए कोई भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं हम उससे पहले होमवर्क करते हैं कि हमने ये रूट कवर करना है, तो उस रूट में जितने भी आए हमने सबके साथ एक जैसा उसमें हमारा रवैया रहा है, ऐसे हमने हमारे तरफ से सब इक्वल हैं बट नोबडी इज़ अबव लॉ, हमें वो भी चीज़ इंश्योर करनी है। मैम एक आरोप वहाँ पर ये भी लगा कि कुछ चुनिंदा लोग जो हैं उनको टारगेट किया गया है, कुछ बड़ी मछलियाँ जो हैं उनको छोड़ दिया गया है जिनकी कोई पहुँच है, इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर उठी, इस पर क्या है? देखिए मैं अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं समझती हूँ वो गलत एंगल से शायद इसको ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल अंडर लॉ चले हैं, अंडर रूल्स चले हैं, हमारे लिए सब गरीब अमीर एक बराबर हैं, लेकिन जो वॉयलेटर है उसके साथ सख्ती से ही JDA पेश आएगा, इसमें कोई हम इसमें गुंजाइश नहीं है कि हम इसमें उनको डील देंगे। मैम आने वाले समय में क्या इस तरह की ड्राइव्स और देखने को मिल सकती? देखिए मैं एक समझती हूँ कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के और बहुत सारे काम हैं हमारे, हम जम्मू को एक स्मार्ट सिटी की और ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे कॉलोनीज़ बने, पार्क्स बनाए जाएं, ग्रीन स्ट्रिप बनाए जाए, फुटपाथ जो हैं वो क्लियर हो। आप देखिए जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी उसमें मेनली हमने जो कवर किया है वो ग्रीन स्ट्रिप की जो तारें थी बार्ब्ड वायर्स क्रॉस करके हाई टेंशन वायर्स के अंडर लोगों ने रेड़ियां लगाई हैं, पक्की उन्होंने दुकानें टाइप उन्होंने वहां बना ली थी जो रात में भी वहां बंधी हुई छोड़ के जाते थे। तो अगर ऐसा सिस्टम होगा तो देन हमारी एक सिविलाइज सोसाइटी और एक अच्छी सिटी हमारी डेवलप होने का हमारा जो ड्रीम है दैट विल बी फार फेस्ट। तो अगर हमें वो लाना है तो हमें ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। मेरी फिर भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही JDA की तरफ से गुजारिश करती हूँ लोगों से कि रूल्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और हमारे लिए भी कोई ऐसी दिक्कत ना क्रिएट हो और हमें ऐसे एक्शंस लेने ही ना पड़े। हमारी जहाँ जहाँ JDA लैंड है खास करके वहाँ पे उसकी इनक्रोचमेंट हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर ऐसी इनक्रोचमेंट हमारे नोटिस में आएगी तो एज सून एज पॉसिबल हम उसको अंडर रूल्स प्रोसीड करेंगे या वो खुद उसको रिमूव करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो अंडर रूल्स हम उसको रिमूव करने वहाँ जाएंगे, हमारा जो इन्फोर्समेंट विंग है। तो हमारी यही अपील है कि लोग ऐसी वॉयलेशंस करें ही ना कि हमें फील्ड में उतर के जाना पड़े।
शुक्रिया मैम. थैंक यू. ये थी हमारे साथ तहसीलदार जेडीए श्रुति भरद्वाज जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि जो ड्राइव वहाँ पर चलाई गई, लोगों को वक्त दिया गया और नोटिस भी उनको दिए गए थे, और आने वाले समय में इशारा इन्होंने कर दिया है कि इस तरह की और जो ड्राइव्स हैं वो यहाँ पर चलने वाली हैं, और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती इनकी जो ज़मीन और जगह जो है जेडीए की वो कब्जाई हुई है, तो वो खुद ही उसको छोड़ दें, अन्यथा उसको भी गिरा दिया जाएगा. रवि शर्मा, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू.